तो रिटायर जी की चले जाना तो क्यों डोलिया मांडे में से रिटायर राम राम जी मैं संगीता और थे देख रहे हो आर जी अठारह न्यूज़ तो आज मैं पहुंची हूँ बाजीसर गांव में जो मंडा विधानसभा क्षेत्र के अंदर आया है तो ईजा की जो समस्या है वो नेटवर्क ने, ने लेके है देखा तो कि आज के टाइम में कि कोई इशू गांव को नहीं होगा जैठ नेटवर्क को नहीं होगा और कोई इश्यू आदमी को नहीं मिलेगा था जगह के हाथ में मोबाइल को नहीं होगा लेकिन ये गाँव में एक ही समस्या है कि जब मोबाइल सबके पास में मिल जाएगा लेकिन नेटवर्क की जो समस्या है वह बहुत बड़ी समस्या है और आँ के गाँव में मोबाइल तो थाने मिल जाए लेकिन नेटवर्क

मतलब छात पर चढ़ो जना आवाज आवे कुनिया जना भी पूरी कोनी आवे अच्छा जद भी समस्या आवे नेटवर्क कमती आवे तो मतलब ये कोई भी सिम को नेटवर्क कौन पकड़ेगी ना जहाँ कि जियो को है जियो को तो जहाँ फोर जी में चल रहे बिल्कुल ही नेटवर्क थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे चढ़ो तो फिर भी कट कट के, के आ, ए, ए, ठोड़ा ठोड़ा कोनी आने आ रही कट कट की कटिया कद्दू हो रही है हमारे सदाओं मतलब कभी भी नेटवर्क नहीं कभी भी तो लीपर भी, तो भी कौन जा सका मैं यार बुढ़ी लुगाई पर जाटे सरकार आज का बीस दिन पहले पहुँचा दी कोई सुना ही नहीं कर रही है कद कागा टावर बारह बात करे साहब किजा करे लुगाई रात किजा निकले मनिया बताओ टिब्बे पर जाऊे तो लुगाई पता है डर लगा तो आड़ भी जा, कठे? ये 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 ये। पर चढ़े हाँ। तो आड़तुड़ी तो हाँ। मारा कट्ठा भी नहीं पकड़े हाँ। चाहे रीज की टिब्बे के ऊपर तो काज कहीं जावा मुंडो दिदा कहा छोड़ो बात ही मत करो मारा गावा में जाए मारे टावर लो चाहे

प्रॉब्लम बैठे भी हमारे हाँ? चार रात में तो मंडावा थोड़ी बैठा बात करने आदमी बारह बारह क्या बात करना तो क्या ले तो नूर जा सरकार आपके घर आ रो रोटी खाओ खाना साहब को अवगत कराया था और अप्लीकेशन लेके गया था जो महिला हैं युवा हैं बुज़ुर्ग हैं सभी के साइन करवाए थे मैंने और सांसद साहब को बोला था कि बी का टावर लगवा दो आप ताकि जो गरीब हैं वो सस्ती सिम बी हाँ, हाँ, बीएसएनएल की है वो सरकार की है तो आप लगा दो सा, सांसद जी साहब ने कहा कि लगा देंगे टावर क्या दिक्कत है लेकिन सांसद जी साहब हैं कि आने का नाम ही ले रहे हैं कोई सूझबूझ ही नहीं है बाजी सर की तो लेकिन मैं कह देना चाहता हूँ सांसद जी साहब को ये देख लो महिलाएं और ये युवा साथी हैं आपको गांव में नहीं घुसने देंगे क्या सोच रखा है आपने दिल्ली को यही खाना है कि अगर थे वोट लेके जाओ तो जो हमारी समस्या है वहाँ की सुनवाई थे करो तो ये इसलिए गुस्सा रहे है कि अगर थे वोट मांग ना आ सको हमारे गांव में तो जो समस्या है को भी समाधान है वो थे कर सको हो देखो मैं तो वोट तो दिया हर टाइम वोट दिया सरकार ने वोटा की जरूरत है और भी हमारी कोई सुनाई तो आज तक है नहीं और कहा तो किन कहा

कैजे माग भोनी को तामर कोजी बढ़ा सगाई कट करांगा <laughs> तब यही है कि गांव में नेटवर्क को नहीं सबसे बड़ी बात की आजकल सोशल मीडिया को तो हो रही हो कि लेके जाए शादी तक को सारो सिस्टम है वो फ़ोन के थ्रू और फिर भी यहाँ के गाँव में यह समस्या आ रही है इनको कोई भी समाधान को नहीं है लोगों को यो कहना है कि बहुत सा मीडिया वाला चैनल वाला आके पूरा वीडियो बना लेगा लेकिन अभी तक वो कोई समाधान को नहीं हो तो ये ये बात पर भी गुस्सा कर रहे कि अगली बार अगर कोई वीडियो बनाना है और अगर समाधान नहीं हो तो ये गाँव के अंदर भी बिन घुसण कौन देगा तो मैं थार लोगों को यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि थे ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो ने शेयर करो ताकि सरकार तक आँख की आवाज़ अब पहुंचे और जो छोटा छोटा बच्चा थे देख सको कि आजकल फोनान देख देख के मतलब फोन में हर कुछ भी बच्चों सीख सके है तो वह बच्चा कत्ता पीछे हुआ रह जाएगा कि हर एक गाँव में था ने नेटवर्क मिल जाएगा लेकिन आँख गाँव में यह समस्या हुआ आ रही है ये तो थे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करियो ताकि लोगों तक यह बात पहुंचे और वह सरकार तक यह बात पहुंचा सके और आँख गाँव में जो समस्या वो समाधान है वो, वो हो जाए अगली बार आप आवा तो आने यानी कि कोई भी शिकायत है वह कौन रहे